वर्ष 2016 से महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की थी। सरकार की विकास नीति एवं इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु हमने समय समय पर इसमें उचित बदलाव भी किए हैं। किसान बहुत ही कम प्रीमियम पर अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं, जहां प्रीमियम का शेष हिस्सा भारत सरकार प्रदान करती है और राज्य सरकारें भी इसमें योगदान करती हैं। खरीफ 2020 सीजन से इस योजना से जुड़ना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ेंगे तो संकट काल में यह योजना आपके लिए वरदान एवं सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। भाइयों और बहनों, लॉकडाउन के दौरान इस योजना के अंतर्गत लगभग 8,090 करोड़ रुपयों से अधिक के दावों का भुगतान कर दिया गया है। वर्ष 2016 में यह योजना आरंभ हुई थी। इसके बाद 3 वर्षों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में लगभग 13,000 करोड़ रुपया जमा किया, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलें बर्बाद हुईं तो उन्हें प्रीमियम से लगभग 4.5 गुनी राशि, लगभग 64,000 करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर प्राप्त हुई। इससे उनकी आजीविका सुरक्षित बनी रही। दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, केंद्रीय कृषि मंत्री और कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा बताया गया, ये दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जितने भी किसान भाई आते हैं सभी के बारे में उन्होंने बताया, उनका जो बीमा क्लेम है। अगर अभी जिन किसान भाइयों को नहीं मिला है उन्हें भी मिलेगा, और दोस्तों उन्होंने सारे आंकड़े बताए हैं किन किसान भाइयों ने कितना प्रीमियम जमा किया है और किन किसान भाइयों को इसके तहत मुआवजा मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर जिन किसान भाइयों ने अपना मुआवजे के लिए आवंटित जो राशि है वो अगस्त महीने में मिलने वाली है और सभी को मिल जाएगी।